पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का जिक्र जब भी आपके सामने होता होगा, आपके जहन में एक बात जरूर याद आता होगा। जी हां, मौसम वैज्ञानिक। जब जब सत्ता जिस पार्टी के हाथ में रही, रामविलास पासवान उनके साथ रहे, चाहे वो विपक्ष में क्यों ना हो। विपक्ष में जैसे ही वो रहते थे, जब उनको आभास हो जाता था कि आने वाले वक्त में इस पार्टी का सत्ता देश में या फिर राज्य में आने वाला है, तो वो उसके साथ चले जाते थे। इसके लिए लालू यादव उनको मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रामविलास पासवान काफ़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे। उस वक्त उनकी जो मदद है वो लालू प्रसाद यादव ने की थी। रामविलास पासवान दिल्ली के अपने बंगले में कई वर्षों से रहा करते थे। अभी भी उसी बंगले में, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो उसी बंगले में रहते थे, लेकिन वो बंगला अब खाली हो चुका है। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान इन दिनों पार्टी के सर्वे सर्वा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही इस बंगले में रहते थे। अब वो बंगला खाली हो चुका है। बंगला खाली होने के बाद कई विवाद सामने आए, लेकिन एक वक्त पासवान लोकसभा का चुनाव हाजीपुर से हार गए थे। उस वक्त वो दिल्ली के बंगले में रहते थे, लेकिन उनको जब आभास होने लगा कि ये बंगला मेरे हाथ से जा सकता है, तो राज्यसभा की स्थिति भी ऐसी नहीं थी, बिहार में एक भी विधायक नहीं था रामविलास पासवान के पास कि वो विधायकों के दम पर राज्यसभा जा सके। लेकिन उस वक्त काम आए लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को अपने पार्टी के जरिए राज्यसभा पहुँचा दिया, और उस वक्त दिल्ली का जो बंगला था रामविलास पासवान का, वो बच गया था। लेकिन उनके मृत्यु के बाद 2 साल तक ये बंगला चिराग पासवान के हाथ में तो रहा, लेकिन अब ये बंगला चिराग पासवान के हाथ से निकल गया है। केंद्र सरकार इसको खाली करा चुकी है। अब इस बंगले पर काफ़ी विवाद हो रहा है। चिराग पासवान कल पटना पहुँचे और पटना पहुँच कर कहा कि मेरे पिता 50 साल तक देश की राजनीति की, सबको यही लगता था कि उनके पास काफ़ी पैसा होगा, काफ़ी दौलत होगा, उनके पास कई शहरों में घर होगा, दिल्ली में भी घर होगा। लेकिन चिराग पासवान ने खुलासा किया है कि उनके पास दिल्ली में एक भी घर नहीं है, वे अभी नाना नानी के घर पे रहते हैं। दस्तक होता तमाम उन शक्तियों के सामने, पर हाँ, दुख है मुझे, तकलीफ है मुझे कि जिस तरीके से इस घर को खाली कराया गया। भाई ये घर आजीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि आजीवन आप मुझे दे, और मैं मेरा परिवार कानून का पूरा सम्मान करता है। भैया मैंने कभी नहीं कहा कि 12 जनपद मुझे आजीवन के लिए दिया जाए, ना मैं उस लायक हूँ ना मुझे उसकी जरूरत है। भाई वैसे भी मुझे बिहार की राजनीति करनी है, अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों की बात करूं, बिहार मेरा प्रदेश है, बिहार मेरी कर्म भूमि है, मुझे बिहार के लिए। बता दे कि इतने सालों तक राजनीति की केंद्र में रामविलास पासवान, लेकिन दिल्ली में एक भी बंगला नहीं खरीद पाए। लगातार लोग यही कहते थे कि रामविलास पासवान के पास काफ़ी पैसा है, रामविलास पासवान के पास दिल्ली में कई बंगले होंगे। लेकिन अब सारी बातें सामने आ रही है। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि मेरे पास एक भी बंगला दिल्ली में मौजूद नहीं है। और पटना की बात कर ले तो पटना में भी एक सरकारी आवास ही था रामविलास पासवान के पास, वो भी जो एयरपोर्ट का जो लोजपा कार्यालय था, लेकिन वो भी अब उनके हाथ से निकल चुका है। पशुपति कुमार पारस अब उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। अब जो है बचा खोजा जो चीज़ है वो चिराग पासवान के पास वर्षों पुराना एक बंगला है, वो है उनका खुद निजी वो बंगला है बोरिंग रोड में, कृष्णापुरी में। वही बंगले में इन दिनों चिराग पासवान जब भी दिल्ली से पटना आते हैं तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक भी बंगला नहीं है दिल्ली में, नहीं उतना पैसा है, जिस तरह से लोग दावा करते थे, बातें किया करते थे। लेकिन रामविलास पासवान की राजनीति पर गौर करें तो रामविलास पासवान हमेशा सत्ता में ही रहे, सत्ता से बाहर एक ही दो मौका ऐसा था कि वो विपक्ष में रहे, नहीं तो हमेशा वो सत्ता में मौजूद रहे। इसी बात को लेकर के बिहार समेत देश के लोग हमेशा चर्चाएं करते हैं कि रामविलास पासवान के पास किसी चीज़ को कमी नहीं होगी, उनके पास देश समेत विदेशों में भी काफ़ी पैसा होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, चिराग पासवान ने खुद खुलासा कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बन रहे हमारे साथ। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।